सूरतगढ़ जिला बनाओ की मांग को लेकर धरना 27वें दिन भी जारी रहा। कल सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर शहर के मुख्य स्थल महाराणा प्रताप चौक पर सूरतगढ़ जिला बनाओ अभियान समिति की ओर से धरना 27वें दिन जारी रहा। ट्रॉमा सेंटर में स्वास्थ्य में गिरावट होने के बावजूद भी आमरण अनशनकारी विनोद घंटाला के अनशन वे का 10वें दिन एवं मौन व्रत भी जारी रहा। अनशन स्थल पर आमरण अनशनकारी हंसराज स्वामी के अनशन का तीसरा दिन रहा। आज कल कांग्रेस पार्टी की ओर से कई पार्षद मोहम्मद फारूक, बाबू खान, निसार मोहम्मद, सलीम मोहम्मद, मोनू फोटोग्राफर एसोसिएशन के संजय भाटी, निजी शिक्षण संघ की ओर से शिक्षक आलोक मिश्रा, गिरधारी स्वामी क्रमिक अनशन पर बैठे। कामरेड मदन ओझा, किशोर गाबा, पीताम्बर शर्मा, परशुराम भाटिया, सदीक मोहम्मद, अमरदीप ने क्रमिक अनशनकारियों को फूलमालाएं पहनाई। ट्रॉमा सेंटर में भर्ती आमरण अनशनकारी हरबख्श कौर बराड़ का अनशन 14वें दिन जूस पिलाकर स्थगित करवाया। इस दौरान पूर्व प्रधान परमजीत सिंह बेदी रंधावा, सिख महासभा अध्यक्ष प्रेम सिंह खालसा, उज्जैल सिंह, पूर्व सरपंच घमंडिया मनदीप सिंह धारीवाल, क्षेत्रीय सिख समाज एवं पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी सूरतगढ़ के परमजीत सिंह बेदी और ग्रामीण जिला अध्यक्ष दीनदयाल अन्य पदाधिकारियों ने सिरोपा भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही मारवाड़ी हास्य कलाकार नरेंद्र शेखावत व राजस्थानी भाषा के संरक्षक मनोज स्वामी ने राजस्थानी साफा बांधकर सम्मानित किया। भारतीय किसान नौजवान यूनियन के जिला अध्यक्ष साबराम सारण व गोपीराम ने किसानी प्रतीक चिन्ह हल भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर चुनरी ओढ़ाकर सम्मान दिया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी, आप पार्टी प्रदेश अध्यक्ष, ओबीसी मोर्चा दिलीप जाखड़, लोकसभा अध्यक्ष सुविंदर, लोकसभा सचिव पृथ्वीराज जाखड़, जिला कोषाध्यक्ष धन्नाराम मेघवाल, जिला मीडिया प्रभारी राधेश्याम उपाध्याय, गुरजीत सिंह हुंदल, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर लीलाधर स्वामी, दर्शन यादव, हरविंदर सिंह फौजी, सुबोध मिड्डा, हरजीत बराड़, भूप सुतार, विमल सहगल, दीपक स्वामी तथा कन्हैया लाल पारिक, जगजीत सिंह बराड़, रिपु दमन सिंह समरा, अमरदीप सिंह, त्रिलोक सिंह, अजीत पाल सिंह गिल, निर्मल सिंह, अजायब सिंह, नरेंद्र बराड़, प्रगट सिंह, कुलवंत सिंह आदि लोग मौजूद रहे। सूरतगढ़ जिला बनाओ अभियान समिति के किशोर गावा, लक्ष्मण शर्मा, मदन ओझा, शिक्षाविद डॉक्टर सचिन जेतली, राकेश बिश्नोई, रामना बिश्नोई, राजू सोनी, प्रमोद जानी, रामू छिंपा, ओम दगल इत्यादि मौजूद थे। धरना अनशन स्थल पर सारा दिन सैकड़ों लोगों का हुजूम लगा रहता है। क्षेत्र के आम जन सूरतगढ़ को जिला बनाए जाने की आस लगाए बैठे। सूरतगढ़ को जिला बनाए जाने की घोषणा न होने पर आम जन में भारी असंतोष व्याप्त है, जिसे आम जन सूरतगढ़ जिला बनाओ अभियान समिति को अपने समर्थन पत्रों एवं सहयोग के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। सूरतगढ़ जिला बनाने के समर्थन बालाजी के दरबार में अर्जी लगाने हेतु रॉयल सालासर पैदल यात्री संघ की ओर से सालासर दरबार के लिए रवाना हुई डाक ध्वजा आज कल सुबह सालासर बालाजी के दरबार पहुंची। रॉयल सालासर यात्रा संघ के पवन बागला, अशोक भट्ट, राजेश चिंपा आदि संघ के सदस्यों ने सूरतगढ़ को जिला बनाने की अर्जी बालाजी के चरणों में लगाई। राय से महासभा सूरतगढ़ की ओर से सूरतगढ़ जिला बनाने की मांग के समर्थन में सूरतगढ़ जिला बनाओ अभियान संघर्ष समिति को समर्थन दिया। राय से महासभा के प्रदेश परिषदाध्यक्ष कश्मीर सिंह भट्टी, उपाध्यक्ष प्रीतम सिंह, महासचिव कश्मीर सिंह सोना, जीत सिंह, किशन सिंह, अवतार सिंह, जोगिंदर सिंह इत्यादि धरना स्थल पर पहुंचे तथा लिखित समर्थन पत्र संयोजक किशोर गावा को सौंपा।